महुआ थाना में महुआ थाना क्षेत्र के सिंघारा गांव से मारपीट के सूचना मिलने पर महुआ थाना द्वारा 112 नंबर की गाड़ी भेजी। गाड़ी को देखते हुए मौके से एक युवक भागने लगा, जिसे पकड़ के तलाशी लिया गया, जिसके पास से एक पिस्टल एवं अन्य आपराधिक आपातजनक वस्तुएं मिलने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार हुआ व्यक्ति, उसका नाम राजा कुमार है, पिता देवेंद्र शाह है, उसी भाड़ा का रहने वाला है। एक दूसरी घटना घटी है दिल्लीपुर थाना अंतर्गत। एक 17/4 को एक गुप्त सूचना मिली कि विद्युत थाना दाऊद नगर के में कुछ अपराधकर्मी जुटे हुए हैं, जो किसी मुखिया के घर में डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में तत्काल हमारे नेतृत्व में एक गठन किया गया है और गठन का छापमारी जब की गई, वहां से 3 व्यक्ति पकड़े गए और तीनों के साथ 2 पिस्टल 2 देसी कट्टा पकड़ा गया है और साथ ही साथ 3 कारतूस मिला है। इस संबंध में विद्युपुर थाना कांड संख्या 239/23 अंकित किया गया है। जो तीनों पकड़ाए हैं उसमें से तीनों का आपराधिक विद्युपुर का आपराधिक इतिहास रहा है। तो पकड़ाए हैं जिसे मोहम्मद साहिल पकड़ाए हैं, जो कि दाऊदनगर विद्युपुर के रहने वाले हैं। दूसरा सद्दाम हुसैन पकड़ाए हैं, जो कि जड़ुआ बागटोला नगर के रहने वाला है। एक और मजनुआ उर्फ सद्दाम पकड़ाया है, वो भी जड़ुआ बागटोला नगर का रहने वाला है। सद्दाम हुसैन के विरुद्ध में 3 केस ऑलरेडी पहले भी है, डकैती NDPS एक्ट के अंतर्गत, जो कि मास्टरमाइंड है। और दूसरा सद्दाम जो है मजनुआ, उसके अध्यक्ष में 1 केस पहले से ऑलरेडी है और साहिल के पास ऑलरेडी NDPS का 1 केस अंकित है। तीनों को हम लोग पूछताछ में बताया कि एक पूर्व मुखिया के यहाँ हम लोग डकैती की योजना बनाए थे और भी बहुत घटनाओं का इन लोगों से हम लोग पूछताछ करके पता चला है कि बहुत से रेकी किए हुए थे जहाँ की घटना कर सकते थे। इस प्रकार बहुत सी घटनाएँ रुकी गई है जी। इसी घटना 17/17 को ही है, एक सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो जो JH नंबर से था, 4-5 हथियार लेकर अपनी घटना कायद के लिए आ रहे हैं, जिसको पुल के पास जो राजेंद्र की पुल जो है गंगा ब्रिज, वहां पर हम लोग उधर रोका गया तिरसिया के पास, और रोकने के बाद उसमें से 5 व्यक्ति पकड़े गए और उसमें से 1 कट्टा भी मिला है। 5 व्यक्ति मोहम्मद मुकीम है, राजा नट है, बादल नट है, संतोष नट है, बूटा नट है, उसके साथ उल्दा स्कॉर्पियो मिला है, देसी कट्टा 1 मिला है, कारतूस 1 मिला है, लोहा कटर 1 मिला है और सेलो टेप जो है 7 तरह का। हम लोग जब पूछताछ करने में पता चला कि ये लोग बकरी चोर गिरोह के सदस्य हैं और बकरी चोरी करते हैं और बकरी चोर कर चितकोहरा में बेचते हैं।